दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम का आईपीएल 2024 के सीज़न के अंदर काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रही है तो हम सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम की नज़रें आने वाले आईपीएल 2025 के सीज़न के ऊपर रहने वाली है, क्योंकि पिछले दोस्तों 3-4 साल से एमआई की टीम का काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस हमें आईपीएल के अंदर देखने को मिला। और मुंबई इंडियंस की टीम हमें दोस्तों जो मेक ऑक्शन हो रहा है आईपीएल 2025 के सीज़न से पहले जो मेक ऑक्शन होगा उसमें काफ़ी तगड़े प्लेयर हमें खरीदते हुए दिखने वाली है। और दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से काफ़ी बड़ी अपडेट भी बाहर निकल कर आ रही है कि कौन से खिलाड़ी हमें मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से बाहर जाते हुए दिखने वाले और कौन से खिलाड़ियों को एमआई की टीम रिटेन करने वाली है। तो सारी जानकारी मुंबई इंडियंस की टीम से रिलेटेड आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगी, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहना। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मुंबई इंडियंस की टीम के बड़े वाले फैन, तो हमारे वीडियो को एक लाइक अभी कर दीजिए। और अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पहले बड़े अपडेट की और पहले खिलाड़ी की जो कि हम मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से रिटर्न होते हुए दिखने वाला है। उस खिलाड़ी का नाम है रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा काफ़ी दिनों पहले बताया जा रहा था कि काफ़ी दिनों से बताया जा रहा है कि रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से रिलीज होते हुए दिखने वाले हैं। इन्होंने आखिरी सीजन खेला है मुंबई इंडियंस की टीम के लिए। इनकी जब से कप्तानी छीनी गई तब से रोहित ना खुश है मुंबई इंडियंस की टीम से। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, रोहित शर्मा एक बार फिर से हमें रिटर्न होते हुए दिखने वाले हैं मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से। और हम मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर खेलते हुए रोहित शर्मा नजर आने वाले हैं। तो इस बात के लिए आप एक लाइक जरूर से वीडियो को कर दीजिए। और अगर रोहित शर्मा के बड़े वाले फैन हो और मुंबई इंडियंस की टीम के बहुत बड़े वाले फैन हो, फटाफट टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, जाइए फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों, रोहित शर्मा में रिटर्न होते हुए दिखने वाले मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से। और दोस्तों, अगर अगले खिलाड़ी की बात की जाए, सूर्य कुमार यादव। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव हमें मुंबई इंडियंस की टीम की ओर से ट्रेड होते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बड़ा फैसला मुंबई इंडियंस की टीम लेते हुए नजर आ सकती है। और दो चार टीमें आईपीएल की जो है काफ़ी इंटरेस्टेड नजर आ रही है सूर्य कुमार यादव को ट्रेड करने के अंदर। तो ज़रूर से एमआई की टीम को अगर अच्छी डील मिलती है सामने से, तो फिर हमें सूर्या ट्रेड होते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि काफ़ी बड़ी वेबसाइटें दावा कर रही है कि सूर्य कुमार यादव के पीछे काफ़ी सारी आईपीएल की फ्रेंचाइजी लगी और मुंबई इंडियंस की टीम को काफ़ी बड़े ऑफर भी दे रही है, काफ़ी बड़े प्रपोजल भी दे रही है। तो हो सकता है कि हमें मुंबई इंडियंस की टीम दोस्तों सूर्य कुमार यादव को आईपीएल 2024 का सीजन जैसे खत्म होता है वैसे ट्रेड करते हुए भी नजर आ जाए। इससे आप ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी बड़े खिलाड़ी हमें ट्रेड होते हुए नजर आए, हार्दिक पांड्या भी हम मुंबई इंडियंस की टीम के अंदर नजर आए है। तो इससे आप चौंकना मत, अगर ये ट्रेड भी हो जाती है तो, और हो सकता है कि हमें ट्रेड भी होते हुए नजर आ जाए जल्द से जल्द। और जैसे ये ट्रेड होती है तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सबसे पहले पता चलने वाला है। तो एक बार फिर से बोलो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों, अगली बड़ी जो न्यूज़ है वो दोस्तों हार्दिक पांड्या को लेकर आ रही है। जो दोस्तों, हार्दिक पांड्या जो है उन पर एक मैच का बैन लगा है। जी हाँ दोस्तों, स्लो ओवर रेट के चलते हुए हार्दिक पांड्या में हो सकता है कि आईपीएल 2025 का जो सीजन होगा उसका पहला मैच खेलते हुए नहीं नजर आएंगे इस बैन के चलते हुए। दोस्तों, वैसे आप लोगों को क्या लगता है, मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2025 के सीजन में भी क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर आईपीएल 2025 का सीजन जीत पाएंगे या फिर नहीं, तो आप अपने रेकमेंड जरूर कर देना। तो बस ये वीडियो यहीं तक थी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।